अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि बाकायदगी के साथ हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। ये देखकर खालिद बिन वलीद के साथियों ने नारा बुलंद किया। भागते काफरों ने बाजी पलटती देखी तो वो भी मैदान जंग की तरफ लौटे। एक औरत ने गिरा हुआ झंडा उठा लिया। काफिर इसके गिर्द जमा हो गए और नए सिरे से जम कर लड़ने लगे। मुसलमान आगे और पीछे से दोनों तरफ से काफरों के घेरे में थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त बेमिसाल शुजात का मुजाहरा किया। एक नहायत ही मुंजे हुए जर्नैल की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद लम्हात में मैदान जंग का जायज़ा ले लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस वक्त सिर्फ 9 सहाबा किराम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुसलमान दुश्मन के घेरे में थे, उन्हें काफिर शहीद कर रहे थे, बाकी मुसलमान इधर उधर मुंतशिर होकर रह गए। इस वक्त तक बहुत से काफिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुख कर चुके थे। इस तरह मुसलमान दो हिस्सों में बट गए। दोनों ग्रोह दुश्मन के नरगे में थे। अचानक नरगे में आ जाने की वजह से मुसलमान घबराहट का शिकार हो गए। अजीब अबतरी का आलम था, मुसलमान बुरी तरह बिखर चुके थे। हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद यमान रज़ी अल्लाह अन्हु इसी किस्म की अबतरी की हालत में अपनों ही के हाथों शहीद हो गए। इधर किसी ने आवाज़ लगाई, अल्लाह के रसूल शहीद हो गए, नाऊज़ु बिल्लाह। इस गलत खबर ने मुसलमानों में मज़ीद बेचैनी फैला दी। बदमज़गी तो पहले ही फैल चुकी थी, बाद मुसलमानों ने तो लड़ाई से हाथ रोक दिया। इनके करीब से सैयदना अंस बिन नज़र रज़ी अल्लाह अन्हु गुजरे। उन्होंने पूछा, क्या बात है, किसका इंतज़ार है? जवाब में उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल शहीद हो गए। अंस बिन नज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, तब फिर जिंदा रहकर क्या करोगे? चलो उठो, जिस मकसद के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जान दी है तुम भी दे दो। ये कहा और काफरों पर टूट पड़े और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इस तरह बाकी मुसलमानों को भी हौसला हुआ। किसी मुसलमान की नज़र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जा पड़ी और जोश के आलम में पुकारा, मुसलमानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये रहे, जिंदा सलामत। जो ही मुसलमानों को मालूम हुआ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबर गलत है, इनमें वलवला पैदा हुआ और उन्होंने ज़ोरों शोर से जंग शुरू कर दी। दूसरी तरफ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को आवाज़ दी, मैं इस तरफ हूँ। मुसलमानों से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ काफरों ने सुन ली, लिहाजा जंग का मरकज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द हो गया। काफरों की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि किसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया जाए, नाऊज़ु बिल्लाह। चनाचा इनका हजूम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ा। वो बढ़ बढ़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने लगे। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द सिर्फ 9 सहाबा किराम मौजूद थे। इनमें से 7 अंसारी और 2 महाजरीन थे। इन लोगों ने मोहब्बत और जानसारी की इंतहा कर दी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ काफरों का हजूम बढ़ा तो 7 अंसारी बारी बारी आगे बढ़ते रहे और दुश्मन की जलगाल को रोकते रोकते शहीद होते गए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तलहा बिन उबैदा और सैयदना साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह अन्हु थे। ये दोनों माहिर तीरंदाज थे। इन्होंने काफरों पर तीरंदाजी शुरू कर दी। ऐसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए साद, तीर चलाओ, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हों। ये वाहिद सहाबी हैं जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने माँ बाप कुर्बान करने की बात की। वो तीर चलाते रहे। उन्होंने इस कदर तीर चलाए कि उनके हाथ शल हो गए। इस दौरान उत्बा बिन वकास ने आगे बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निचला होंठ जख्मी हो गया। सैयदना तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु तो इस दिन इस कदर लड़े और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस हद तक बचाव किया कि इस्लामी तारीख में इनका नाम सुनहरी हरूफ में लिखा गया। वो बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करते रहे। इस रोज़ उन्हें 35 जख्म आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रूहे ज़मीन पर चलता फिरता शहीद देखना चाहे तो तलहा बिन उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु को देखे।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ख्मी होना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूदा सहाबा का शहीद होना और अंसारी सहाबियों का जान कुर्बान करना, ये सब वाकया अचानक और नहायत तेज़ी के साथ पेश आया। वरना सहाबा इकराम रज़ी अल्लाहु अन्हु बड़ी तेज़ी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ रहे थे। सबसे पहले अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुँचे। अबू उबैदा बिन जराह भी आगे, फिर सैयदना अली, सैयदना उमर, सैयदना अबू दुजाना, सैयदना खत्ताब बिन नबी बलता रज़ी अल्लाहु अन्हु समेत 11 सहाबा इकराम आ पहुँचे।